अब अगला जो क्वेश्चन है अगेन ये हमारे न्यूमेरिकल टाइप है लेकिन यहां पर आपके करेक्ट पर तीन नंबर मिलने यानी रिलेटिवली इजी होगा और इन करेक्ट पर आपको जीरो मार्क्स है यानी अगेन यहां पर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है वे पोटेशियम आयोडाइड यानी कि के आई इज एडिड टू एन एक्व सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम फेरी साइनाइट पोटेशियम फेरी दो होते हैं आप लोगों को पता होगा एफ वी सी एन सिक्स और एक क्या होता था के थ्री एफ सी एन सिक्स तो अगर इस इसमें देखेंगे तो प्लस थ्री चार्ज आएगा इस इसमें देखेंगे तो प्लस टू और आप लोग जानते हो फेरो फेरी फेरिक प्लस थ्री वाले को फेरिक तो यहाँ पर आपका ये बन रहा है रिवर्सिबल रिएक्शन इज इन कॉम्प्लेक्स पी इज फॉर्म इन स्ट्रॉग एसिडिक मीडियम द इक्विलिब्रियम शिफ्ट कंप्लीटली टूवर्ड्स पी तो पी की तरफ मूव करेगा एडिशन ऑफ जिंक क्लोराइड यानी कि जेड एन टू प्लस टू सी एल माइनस

नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इसके मोल निकालने हैं रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस टू मोल ऑफ पी अब आपको ये कंपाउंड आपका पी है और आपको नहीं नहीं कॉम्प्लेक्स पी इज फॉर्म्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड यानी आपको के आई के मोल निकालने P बनाने के लिए तो नाउ व्हाट विल यू डू अगर मैं इसको बैलेंस कर लेता हूँ तो के आई प्लस के थ्री तो देखिए इसे थ्री से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसे कितने से कर देता हूँ फोर से तो K बैलेंस हो गए अब मुझे ये देखना है थ्री एंड फोर एक मिनट रुको इसकी बैलेंसिंग आपको करनी पड़ेगी ओके गॉट इट गॉट इट तो के ऑलरेडी यहां पे भी एक के है और यहां चार हो गए थे तो प्रॉब्लम इज सॉल्व एक मिनट इरेजर कहां गई दोबारा देखिए भाई यहां पर पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड तो टू एन इक्व सॉल्यूशन के आई प्लस के थ्री एफ C N six, it will give you K four F P C N six. तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये plus three है और ये कितना है plus four और K four हो गया है तो आयोडीन का क्या बनेगा half I two. क्या बनने वाला है भाई half I two क्योंकि एक आयोडीन है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड यानी इसके मोल पूछे required टू प्रोड्यूस two मोल ऑफ P. Required टू प्रोड्यूस two मोल ऑफ P. अब देखिए अगर मैं इसे दो से मल्टीप्लाई कर देता हूं टू के आई प्लस टू के थ्री कुछ नहीं है सिंपल बैलेंसिंग की प्रॉब्लम है पंगा है अगली वाली प्रॉब्लम में प्लस आयोडीन तो यहां पर आपको क्लियरली देखना रहा है अगर आपने रिएक्शन को प्रॉपर बैलेंस भी कर लिया तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी नेक्स्ट व्हेन पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड रिवर्सिबल रियक्शन स्ट्रॉंग एसिडिक मीडियम था एक्चुअली जेड एन टू प्लस के साथ जेड एन टू प्लस के साथ जो रिएक्शन होती है के फोर एफ फी सी एन सिक्स ये दो पॉसिबिलिटीज हैं बॉक्स में इसे दो तरीके से दे रखा है एक आपको ये दे रखा है एफ फी सी एन सिक्स और दूसरा इसकी जो एक और पॉसिबिलिटी है के फोर एफ ई सी एन सिक्स तो इसलिए इसका जो रीज़न है मतलब ये दोनों ही आपको केमिकल रिएक्शंस कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे और ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है तो जब तक जेई अपना आंसर देती है तो टिल दैट टाइम यू हैव टू वेट तो इस तरीके से अगर देखोगे नंबर ऑफ जिंक आयन प्रेजेंट इन द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ क्यू तो देखिए अगर मैं पहला वाला केस लेता हूँ अगर मैं पहला वाला केस लेता हूँ तो उस पहले वाले केस में पहले वाले केस में क्या होगा यहाँ टू रख लीजिए जिंक के दो आयन है लेकिन ये वाला केस लेता हूँ तो इसमें जिंक के कितने होंगे थ्री तो एक्चुअली इसके दो या तीन पॉसिबल हैं अब देखते हैं जई वाले इसमें कौन सा लेते हैं तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे सो so, आई होप आप लोगों ने सारे सॉल्यूशंस को एंजॉय किया होगा और आप लोग इसे देखिए और जो अगले साल होने वाला जई का एग्ज़ाम है आप अपनी स्ट्रेटी उसके अकॉर्डिंगली बनाइए लेकिन हाँ मैं इसे रेट करूँगा कि पेपर वॉज़ रिलेटिवली ईजियर फ्रॉम द लास्ट टू ईयर्स जो भी पिछले दो साल में पूछा गया है तो आप इन सभी चीज़ों को माइंड में रखें और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों के लिए कि मैनेट कालू सराय में रिपीटर्स uh, जो बच्चे ड्रॉप करना चाहते हैं अपनी रैंक इंप्रूव करना चाहते हैं उनके लिए बैच लॉन्च कर रहा है और वो बैच लॉन्चिंग की जो डेट होगी वो आपकी सिक्स ऑफ मे ऑनवर्ड यू कैन कम ओवर या

कुछ बना लेते हैं एक बार फिर से ऊपर से पढ़ लेंगे एन ऑर्गेनिक कंपाउंड पी विथ मोलिकुल सी नाइन एच एटीन ओ टू डी कलराइजेज ब्रोमीन वाटर मतलब इसमें अनसेचुरेशन है तो अब ब्रोमीन वाटर के लिए तो उन्होंने एक, इंडिकेटर इंडिकेशन दे दिया कि उसमें अनसेचुरेशन है एंड ऑल्सो शोज पॉजिटिव आर्ड फोम टेस्ट तो एक साइड पर हमारे पास वैसे आप डबल बॉन्ड रिकवलेंट भी उसका निकाल के देख सकते हो तो डबल बॉन्ड रिकवलेंट वन ही आएगा तो वन आएगा तो इसका मतलब आप उसमें एल्कीन बनाओगे एल्काइन भी नहीं बना सकते हो आप उसमें एल्कीन ही बनाओगे और बाकी दोनों साइड्स में अनसेचुरेशन नहीं होगी तो अनसेचुरेशन नहीं है तो पॉजिटिव आयोडो टेस्ट विल बी शोन ओनली बाय द हाइड्रोक्सी ग्रुप चलिए पी ऑन ओजोनोलिसिस चलिए यहां तक तो फिर बाद की बात हो जाती है तो लेटस सबसे पहले बना के देख लेते हैं थोड़ी कार्बन की काउंटिंग भी इसमें करनी पड़ेगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन सी नाइन था और एच एटीन है अठारह है इसमें मैंने अनसेचुरेशन भी डाल दी है और ये वाली साइड अगर आप देखोगे इतनी वाली साइड तो ये पॉजिटिव आयोडोफोम टेस्ट भी देगा यह ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी देगा और बाकी हम अभी पीछे जाके पढ़ के आएंगे नाउ पी ऑन ओसोनोलिस फॉलोड बाई ट्रीटमेंट विद हाइड्रोजन परोक्साइड तो इसका मतलब ये ऑक्सीडेटिव कर रहा है ओजोनॉसिसंपाउंड क्यू एंड आर कंपाउंड क्यू शो पॉजिटिव आयोडोफोम टेस्ट आर डज नॉट शो पॉजिटिव आयडोफोम टेस्ट तो एक मिनट पहले हम इसका जो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है वो कर लेते हैं ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन परोक्साइड जो बाद में डाला आपने पहले ओजोन इन वाटर ले लिया होगा जैसे भी तो यहां से आप इसको स्प्लिटिंग इस करके इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बना लीजिए सो दिस इज वन कंपाउंड जहां पर भी जो भी करेंगे उसमें टोटल कार्बन नंबर हमेशा काउंट करके रखना तो इसमें चार है और इसमें पांच है तो देर हैव टू बी अ टोटल ऑफ नाइन कार्बन सो मेरे पास दो कंपाउंड हैं। ये वाला हाइड्रोफोम टेस्ट दिखाता है क्योंकि ये हाइड्रोक्सी थैल ग्रुप है यहाँ पर पर ये वाला हाइड्रोफोम टेस्ट नहीं दिखाता इसके अंदर हाइड्रोक्सी थैल ग्रुप नहीं है सो so, जाके देख लेते हैं इनको लेबल्स क्या लगा रखे हैं पी ऑन ओजोनोलिस फॉलोड बाई ट्रीटमेंट विद हाइड्रोजन प्रोक्साइड गिव क्यू एंड आर वाइल कंपाउंड क्यू शोज पॉजिटिव हाइड्रोफोम टेस्ट ठीक है सो दिस इज गोइंग टू बी कंपाउंड क्यू Which shows positive iodoform test and this is going to be compound R, which does not show positive iodoform test. ठीक है। Q and R on uh, oxidation with pyridinium chlorochromate followed by heating uh, gives S and T. तो पहले PCC treatment करेंगे और उसके बाद heating करेंगे। ठीक है। तो इसमें अगर आप PCC treatment करेंगे, तो जो two degree alcohol है, वो ketone में कन्वर्ट हो जाएगा यह भी टू डिग्री एल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा यह दोनों पीसीसी ट्रीटमेंट करो इसमें और अल्कोहल्स को उनके कॉरस्पोंडिंग डीआर आईडिया कीटोन इसमें तो कीटोन आप बना लोगे नाउ वट यू सी हियर इज इज दैट दिस गोइंग टू बी अ बीटा कीटो एसिड एल्फा एंड बीटा दिस इज अगेन ऑल्सो गोइंग टू बी अ बीटा कीटो एसिड एंड बीटा कीटो एसिड डी कार्बोक्सुलेट ऑन हीटिंग सो जब आप इसको हीट करोगे रिमूव सी टू ये बनाओ कंपाउंड ठीक है थ्री पेंटानोन कंपाउंड बनेगा और यहां से भी आप कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दीजिए ये एसीटोन बनेगा ये वाला कंपाउंड हाँ नाउ वी जस्ट गो बैक एंड सी बोथ अच्छा गिव पीसीसी फॉलोड बाय हीटिंग गिव एसएनटी रिस्पेक्टिवली ठीक है दिस इज गोंग टू बी कंपाउंड एस एंड दिस इज गोंग टू बी कंपाउंड टी चलिए बोथ एस एन टी शो पॉजिटिव आर्डोफोम टेस्ट बोथ एस एंड टी शो पॉजिटिव आर्डोफोम टेस्ट तो इसमें जो यहां पर एक छोटी सी करेक्शन uh, कर देंगे इसमें वो ये है कि दिस इज गोंग टू बी सी एच थ्री हियर क्योंकि हमने सीओ टू हटाया था ना ऐसे ही रहा है यहां से सीओ टू हटाइए तो बस इतना यहीं तक ही रहेगा ना कार्बन तो बस ये ये इतना ही रहेगा ये वाला कार्बन सो so, ये एडफोम टेस्ट दोनों के दोनों दिखा देंगे मिथाइल कीटोन इसमें भी है और मिथाइल कीटोन उसमें भी है कंप्लीट को पॉलिमराइजेशन ऑफ फाइव हंड्रेड मोल ऑफ क्यू एंड फाइव हंड्रेड मोल ऑफ आर गिवन मोल ऑफ सिंगल ए साइक्लिक का पॉलीमर तो एक्चुअली यहां पर जो बना रहे हैं वो हम कंप्लीट पॉलीमराइजेशन ऑफ 500 मोल्स ऑफ q एंड 500 मोल्स ऑफ r हाँ तो ये रहा q और r तो इनकी जो पॉलीमराइजेशन की हुई है ना ये एक्चुअली पीएचबी भी बनाने के लिए कर रहे हैं जिसको पॉली बीटा हाइड्रोक्सी को पॉलीमर विद बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट बोलते हैं ये जो कैप्सूल्स होते हैं उनके एनकैसिंग बना बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है कैप्सूल्स बनाने के लिए ये पॉलीमर यूज़ में आता है सो so, इसका को पॉलीमर वो बना रहे हैं तो उसमें किया कुछ नहीं है 500 हंड्रेड यूनिट्स इसके लिए हैं तो अगर आप इसका टोटल मॉलिकुलर मास निकालेंगे तो 118 आएगा और इसका टोटल मॉलिकुलर मास 104 के लगभग आएगा सो so, जब आप इसका सिंगल को पॉलीमर बना रहे हैं तो फाइव यूनिट्स इंटू प्लस फाइव यूनिट्स दूसरे के लिए इन टू वन जीरो फोर और फिर इनको जोड़ोगे कैसे वाटर रिमूव करके बनाएंगे इसको तो वाटर रिमूव करोगे तो वाटर कितना निमूव दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है दो मॉलिक्यूल्स अगर आप डिहाइड्रेट करते हो उनमें से वाटर रिमूव करते हो तो एक वाटर मॉलिक्यूल है तीन अगर मॉलिक्यूल लोगे तो दो जगह से पानी निकलेगा चार लोगे तो तीन जगह से पानी निकलेगा तो अगर आपने वन थाउजेंड यूनिट्स ली हैं फाइव हंड्रेड इसके फाइव हंड्रेड उसके तो नाइन हंड्रेड एंड नाइन जगहों से इसमें पानी निकलेगा सो so, इसमें से वाटर रिमूवल जो होगा वो नाइन नाइनटी नाइन मल्टीप्लाइड मोलिकुलर मासन तो जब आप इसके टोटल मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करोगे तो यह नाइन एटीन कुछ नाइनटी थ्री थाउजेंड समथिंग के आसपास इसकी वैल्यू बनती है सो देट मीन गो बैक टू द क्वेश्चन कंप्लीट पॉलीमराइजेशन ऑफ फाइव हंड्रेड मोल्स ऑफ हंड्रेड मोल्स मोल ऑफ अ सिंगल अलक्लिक पॉलीमर यू तो सम ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम्स इन एस एन टी ए तो खैर दूसरी चीज थी निकालने की तो लेट्स गो फॉरवर्ड ये एस था ये टी था ऑक्सीजन आइटम्स इन एस एन टी ये तो दो ही होंगे और उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है वो द मोलिकुलर मास ऑफ यू इज तो मोलिकुलर मास ऑफ यू हमने अभी निकाला है यू you नो know, जिसमें 500 हंड्रेड यूनिट्स एक के लिए हैं बट उसमें बस इतना ध्यान रखना कि एक का कि आप पाँच ले रहे हो दूसरे के 500 ले रहे हो तो हज़ार हो गए लेकिन जब आप दो दो कोपोलीमर्स यूज करके दो दो मोनोमर यूनिट्स यूज करके उसमें से वाटर रिमूव करोगे तो वन यूनिट्स में से वाटर का रिमूवल सिर्फ नाइन साइट्स पर से ही होगा और एंड यूनो एंड साइट्स तो वैसे की वैसी रह जाएंगी तो ऐसे में जो टोटल इसका मॉलिकुलर मास आ रहा था वो 93,018 कुछ इस वैल्यू के आसपास आ रहा है आप एग्जैक्टली exactly तो कैलकुलेट करके देख सकते हो मैंने उसका तरीका तो आप लोगों को यहां पर सिखा दिया ये इस तरीके से इसको करना है ये मॉलिकुलर मासेस भी फाइव हंड्रेड से मल्टीप्लाई करने तभी टोटल मॉलिकुलर मास निकलेगा पॉलीमर का और उसमें से फिर नाइन नाइनटी नाइन यूनिट्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आप रिमूव कर देंगे राइट right? थैंक यू वेरी मच दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट डिस्कशन थोड़े से क्वेश्चन थे ऑर्गेनिक के बहुत सारे क्वेश्चन नहीं थे एंड आई होप दिस डिस्कशन हेल्प ऑल ऑफ यू यू नो गेट डाउन टू द राइट आंसर विश यू ऑल द बेस्ट होप यू हैव ब्राइट फ्यूचर हैड थैंक यू वेरी मच